मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय के नजदीक तिरला थाना अंतर्गत ग्राम चिकिलिया में हथियार बंद बदमाशों ने धावा बोलकर बदमाशों ने रितेश नाम के युवक को बंधक बनाया और उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद लोग जाग गए। इस दौरान बदमाशों से उनका आमना सामना हुआ। बदमाशों ने इस दौरान गोलियां दागना शुरू कर दी। इस घटना में कुल 4 लोग घायल हुए हैं। धर्मेंद्र पाटीदार की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जबकि कैलाश, रितेश और मोहनलाल को भी चोटें आई हैं। घायलों का उपचार चल रहा है। सूचना मिलने पर तिरला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। तिरला थाना प्रभारी सवाई सिंह नागर का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल प्रारंभिक जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्षेत्र में इस बड़ी घटना से ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग घर के ऊपरी हिस्से में सो रहे थे। घटना रात 2 बजे के लगभग की बताई जा रही है। धार से संवाददाता जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। ये आपके यहाँ जो घटना हुई है, किस प्रकार की घटना हुई, थोड़ा बताइए। इसमें कितने लोग आए थे आपके घर, कब की घटना है? सर, जैसे मैंने दरवाजा खोला, वो गैलरी में 15 से 20 आदमी थे। उन्होंने मुझ पर पहले एक फायर करी तो मैं नीचे झुक गया। दूसरी फायर करी, जैसे मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी तो उसने मेरे हाथ पे गोली चला दी। मेरा हाथ वहीं पे काम करना बंद कर दिया, जिससे मैं उसको पकड़ने में असमर्थ रहा। और किसी को भी लगी? पिताजी को फायर करी उसने, पिताजी के ऊपर, तो पिताजी नीचे झुक गए और पिताजी ने एक आदमी को पकड़ लिया था। एक आदमी को छुड़ाने के लिए सर सभी हमारे ऊपर भाई हो गए। उसने हमारे बड़े पापा है उनके ऊपर उलट चलाई। रोहित भैया को, जो हमारा छोटा भाई है, उनको बंधक बना लिया था उन्होंने। उसको जैसे बेड पे बांध दिया, मुंह बांध दिया, पैर बांध दिए। वो हथियार में क्या क्या था? हथियार में सर तलवार थी उनके पास में, बड़े बड़े धारे थे, 5 पिस्तौल थी सर, जिसमें एक दो आदमी चला रहे थे। जैसे हमने उसको पकड़ने की कोशिश करी, वो नीचे से भी चला रहे थे सर, फायरिंग कर रहे थे। 4-5 बार फायरिंग करी, जिसमें से मुझे एक बार गोली लग गई। पुलिस को सूचना दी? सूचना दी सर। कितनी देर के बाद पुलिस आई? सर 1 घंटे के बाद पुलिस आई। धर्मेंद्र सर, ये गोलीकांड का क्या कुछ मामला है? अभी 2 घंटे पहले करीब 4 लोग आए, जिसमें से एक व्यक्ति को गोली लगी बाएं हाथ में और 3 लोग घायल है। वो हाथापाई में उनको भी घायल हुए, और जिसको गोली लगी है उसको हड्डी भी टूटी है उसके हाथ की, और 2 टुकड़े हो गए हड्डी के। कंडीशन थोड़ी सी अभी नाजुक है, फिर भी कंट्रोल में। उनका अभी प्राथमिक उपचार कर दिया है। अभी कंसल्टेंट भी आने वाले हैं, वो भी देखेंगे, और जैसा भी होगा फिर स्थिति के हिसाब से निर्णय लेंगे कि यहाँ रखना मरीज की, इंदौर भेजना है। डॉक्टर दीपक नाहर। सर, गोलीकांड की घटना हुई, क्या कुछ है पूरा मामला? हाँ, ग्राम चिकलिया में कैलाश जी पाटीदार हैं। उनके यहाँ पे जैसा वो बता रहे हैं कि 3 लोग ऊपर आए थे और उनको उनने रोकने का प्रयास किया, तो उनने धक्का दे के दरवाज़ा खोल लिया और कैलाश जी को सिर में, जैसा वो बता रहे हैं कि कोई उनके पास में पिस्टल या कोई ये थी, उससे मारा तो उसको सिर में लगी है, और उनके बड़े लड़के को बाएं कंधे पे लगी है गोली, तो गोली चलाई थी। और एक और उनका लड़का जिसकी शादी थी, उसके साथ भी उन्होंने मारपीट की है और उसके हाथ पैर बांध दिए थे। परंतु अभी तक ये कोई संज्ञान में नहीं आया है कि ये घटना किसी माल को लेने के लिए हुई थी या इनको खाली चमकाने के लिए हुई थी। इसकी जांच पुलिस कर रही है। ठीक। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।